आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रिश्ला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। कानपुर में हिंसा भड़क रही है। नमाज के बाद ऐसी कौन सी आयत पढ़ा दी गई लोगों के कानों में कि भीड़ हिंसक होकर ईंट पत्थर लिए सड़कों पर उतर आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर हिंसा की, जहां पर शुक्रवार यानी कल से कानपुर सुलग रहा है। कमिश्नरी लागू होने के बावजूद, इतने बड़े अधिकारी बैठने के बावजूद, इतने सितारे वाले आईपीएस होने के बावजूद ऐसी घटना आखिर कैसे घट गई, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या सीएम योगी की पुलिस और उनके प्रिय बुलडोजर का खौफ इन दंगाइयों में नहीं रहा। इन्हीं सब बातों पर आज की हमारी चर्चा है, उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों बार बार सुलगता है कानपुर? 1992 में राम मंदिर आंदोलन के वक्त दंगे में 11 लोगों को जिंदा जलाया। 2001 में दोनों पक्षों को समझाने के दौरान एडीएम वित्त सीपी पाठक को गोली मार दी। 2014 में चोरी के मामले में सांप्रदायिक हिंसा पर कई जान गई। 2017 में ताजिया का रूट बदला तो शुरू हो गई आगजनी। 2019 में एनआरसी के विरोध में हिंसा, पुलिस की फूंक दी गाड़ियां। 2022 में जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों में बवाल। आखिर क्यों बार बार सुलगता है कानपुर? 1992 में राम मंदिर आंदोलन के वक्त दंगे में 11 लोगों को जिंदा जलाया। 2001 में दोनों पक्षों को समझाने के दौरान एडीएम वित्त सीपी पाठक को गोली मार दी। 2014 में चोरी के मामले में सांप्रदायिक हिंसा पर कई जान गई। 2017 में ताजिया का रूट बदला तो शुरू हो गई आगजनी। 2019 में एनआरसी के विरोध में हिंसा, पुलिस की फूंक दी गाड़ियां। 2022 में जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों में बवाल। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जो जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने की का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँच कर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। तो लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहाँ के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज आप तस्वीरें देख सकते हैं हिंसा की, कि कानपुर में जो हिंसा भड़का है वो कितना ज्यादा बेहद शर्मिंदा करने वाला यह घटना है। यह घटना उस वक्त की है जब मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद थे, उनका कार्यक्रम था। यह घटना सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है वो पुलिस प्रशासन पर खड़ा करता है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से उपद्रवी लगातार पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एफआईआर की कॉपी भी हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और लगातार जो भी इस हिंसा में शामिल है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हाल ही में अभी कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो जिनके भी खिलाफ एफआईआर हुआ है उन्हें 14 दिन के रिमांड पर लिया जा चुका है और जो भी आरोपी हैं, जो 36 आरोपी को आइडेंटिफाई किया है गया है, उन 36ों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, उन पर एनएसए लगाया जाएगा और उनके जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा। मैं इस चर्चा के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले मैं आपका परिचय उनसे करवा दूं। समाजवादी पार्टी से समीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मंजू शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे संवाददाता उपेंद्र शुक्ला, उपेंद्र अस्थाना कानपुर
से हमारे साथ जुड़ चुके उपेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम बातें निकल कर सामने आई है? जी आपको पता चला कमिश्नर साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जफर की जो गिरफ्तारी है उसकी पुष्टि करी, उसके बाद जो इसमें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है जफर को, और उसके बाद जो बैंक खाते हैं उसको खंगाल ले जाएंगे, और अगर आवश्यकता पड़े तो सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। जी उपेंद्र साना, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। मंजू शुक्ला, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कानपुर सुलग रहा है और कानपुर हिंसा का गढ़ रहा है, क्या बाबा के बुलडोजर का खौफ कानपुर में लोगों को नहीं है? जो उपद्रवी है कानपुर में, क्या उनको बाबा के बुलडोजर का खौफ नहीं है? बुलडोजर का खौफ देखिए अपराधियों में रहता है, और जितना अपराध को बीजेपी घटाने की कोशिश कर रही है, और उतना ही उसके बावजूद भी अभी भी घरों में अफजल कहीं ना कहीं घुसे हुए हैं, और ये बिलों में घुसे हुए चूहे हैं जो समय समय पर अभी भी इतना बुलडोजर चलने के बाद भी पास नहीं आ रहे हैं। बाबा ने कहा था कि लेकिन मंजू शुक्ला जी, सवाल तो प्रशासन पे भी खड़ा होता है ना, सवाल तो प्रशासन से भी खड़ा होता है। जब इतनी कड़ी व्यवस्था थी, राष्ट्रपति मौजूद थे कानपुर में, प्रधानमंत्री देश के कानपुर में मौजूद थे, तो प्रशासन और वहां के एलआईओ को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। पहले से पोस्टरबाजी चल रही थी, कितनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। प्रशासन लगातार दावे और वादे करता हुआ नजर आता है, और हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका भी ये कहना है कि दंगाई या तो प्रदेश छोड़ देंगे या तो अपने घर में बैठ जाएंगे। कौन है ये लोग, क्यों उन पर प्रशासन का खौफ नहीं है, प्रशासन की कितनी बड़ी चूक है ये? देखिए मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो इसका मास्टरमाइंड आया है, ये पीएफआई से जुड़ा हुआ आदमी है, और ये अक्सर ही और अपने घर से ये राशन की दुकान चलाता है। तो एक मामूली सा आदमी जो सोशल मीडिया पर अपना अपनी कुंठा निकालने के लिए, और भाजपा से एक इन लोगों को नफरत है, ये उग्रवादी लोग हैं, और जब इनको आतंकवादी कहा जाता है तो ये भड़कते हैं, है ना? और ये अक्सर ही मतलब आप इसका सोशल मीडिया अकाउंट खोल करके देखिए, ये इसके मतलब अपने विवादित बयानों के लिए ये मशहूर था। तो एक छोटे से राशन की दुकान वाले को इतना नहीं समझा गया था कि बाबा का बुलडोजर का खौफ इसके दिमाग में अभी बैठा नहीं है। जी बिल्कुल मंजू शुक्ला जी, बिल्कुल। अब ये जांच का विषय है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद बेलाइयों को इसकी खबर क्यों नहीं थी। फिलहाल हमारे साथ समाजवादी पार्टी से समीर सिंह जुड़े हैं। समीर सिंह, कितनी बड़ी लापरवाही अब प्रशासन की देखते इस पूरे प्रकरण में, जिस तरह से कानपुर सुलग रहा है, कई वीडियो भी सामने आए हैं, तमाम सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरह की घटना जो सामने आई है, जिस तरह से दो समुदायों में पत्थरबाजी हुई है, किस तरह से आप लापरवाही देखते हैं प्रशासन की? कृष्णा जी, पहले तो मैं कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगा। ये जो कल घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस पे विपत्ति जताते हुए, इस मुद्दे को देखते हुए वहाँ पे शांति बनाए रखने की एक अपील करी है लोगों से अपने ट्विटर के माध्यम से। और रही बात कि किस हद तक कानून व्यवस्था लचर थी वहाँ पे, या जो सुरक्षा एजेंसी थी, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कमिश्नरेट है कानपुर, और ये एक जो कल हिंसा हुई है कानपुर में, ये एक आम हिंसा नहीं है। क्योंकि आप देखें कि कानपुर देहात में देश के प्रधानमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति, सूबे के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल वहाँ पे मौजूद थी, तो आप समझ सकते हैं कितना पुख्ता वहाँ इंतज़ाम होना चाहिए था। लेकिन आप उसको इंटेलिजेंस का फेलियर तो है ही, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जो इस समय उत्तर प्रदेश की, वो इस बात को मानने को रेडी नहीं है कि उनसे एक चूक हुई है। और ये कोई आम चूक नहीं है, बहुत बड़ी चूक है। और ये एक एंगल है सिर्फ, आप देखें कि 100 किलोमीटर दूर लखनऊ, जो कि राज्य की जो राजधानी है, वहाँ पे आप देखिए इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, उसके इंतज़ाम को भी लेके कितने पुख्ता इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं। एटलीस्ट जो क्लेम्स हैं वो तो यही हैं कि बहुत पुख्ता इंतजाम हैं। और जब ऐसे में आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की बातें करते हैं, और कानपुर में जो कि 100 किलोमीटर ही दूर है, और कानपुर बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है हमारे प्रदेश का, तो वहाँ पे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो प्रदेश का जो एक ब्रॉड नैरेटिव है वो खराब करती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को संज्ञान लेना चाहिए
कि उनसे गलती हुई है, उनसे चूक हुई है। रही बात कि बुलडोजर की जो अब कार्यवाही हो रही है कि बुलडोजर, हालांकि कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही का ही ऑप्शन बचा है अब, क्योंकि जो हिंसा होनी थी वो तो हो गई, जो ब्लॉट लगना था वो तो लग गया, लेकिन अब कार्यवाही। लेकिन ये कहना कि हम बुलडोजर चला देंगे या संपत्ति कुर कर देंगे, इससे आने वाले जितने भी उपद्रवी हैं उनका हौसला टूटेगा, तो अगर ऐसा ही होना होता तो हमने पहले भी देखा है कि पहले भी इस तरह के जो हिंसा हुई है उसमें भी इस तरह की कार्यवाही करी गई है कि जो भी उनमें आरोपी हैं या ये संदिग्ध आरोपी हैं उनके नाम पर FIR दर्ज हुई हैं, उनकी संपत्तियां जब्त करने की बात हुई है, तो लेकिन जब वो इसको इनको डिटर नहीं कर पाए, इनको नहीं रोक पाए, तो हम ये जो कार्यवाही है, मुझे नहीं लगता कि, पहली बात तो ये है कि प्रशासन को और शासन को और ज़्यादा पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, और स्पेशली अगर मैं ये बात कहूँ कि जैसे कि इस पूरे मुद्दे को जो नैरेटिव दिया जा रहा है, जो नैरेटिव चल रहा है कि ये एक सुनियोजित घटना है, ये एकदम से कोई घटना नहीं हुई है, तो जब कोई चीज़ एक प्री प्लान्ड होती है तो प्लान, और जैसे हमारी मंजू जी ने भी अभी बहुत बोला कि जो इसके जो जिन पे जो मुख्य आरोपी बोले जा रहे हैं जफर साहब, इनको कहा जा रहा है कि बहुत ही मामूली आदमी है, तो एक मामूली आदमी इतनी बड़ी घटना प्लान कर लेता है और इतने बड़े प्रदेश की इतना पुख्ता पुलिस व्यवस्था, उसको भनक भी नहीं लगती है, ये बहुत ही कानपुर में समीर जी जी, उसके बाद भी इतने एक मामूली आदमी ने इतने बड़े घटना को प्लान कर लिया और कानो कान खबर ना हुई, ना पुलिस को हुई, ना इंटेलिजेंस को हुई, ना विजिलेंस को हुई, तो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो जो जीरो टॉलरेंस और पुख्ता लॉ एंड ऑर्डर के जो ढोल बजाते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ही, इनफैक्ट आपने देखा होगा 2017 से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की जो लटर लगा रखी थी उसमें आप अगर देखेंगे, तो आज ये हिंसा इस बात का प्रमाण है कि कितनी सिर्फ ये पेपर पे और ढोल बजाने वाली है, लॉ एंड ऑर्डर एक्चुअली में क्या व्यवस्था है प्रदेश में, ये उसको सामने लाती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो भी हिंसा हुई है ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, एक निष्पक्ष कार्रवाई हो, और जो भी मुजरिम है वो इस पर, इसका जो भी पर्दा है वो फाश किया जाए, उनको हिरासत में लिया जाए, और ये बात सारी क्लियर हो, क्योंकि ये देश लोकतंत्र और संविधान से चलता है। इस देश में आपको अपनी, इस लोकतंत्र ने हमें ये आज़ादी दे रखी है कि हम अपनी बात करें, अपनी नाराज़गी जाहिर करें, लेकिन कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, लोगों की जाने लेना या किसी भी प्रकार की आगजनी या हिंसा करने की कोई भी आज़ादी किसी को नहीं दी। समीर जी, मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैंने आपको बहुत संजीदगी से सुना, और जिस संजीदगी से आप यहाँ पर इस समय बोल रहे हैं ना, उसमें ये सब आपके पाले हुए लोग हैं जो घर घर मंजू शुक्ला जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मंजू जी, आज के हमारी चर्चा में हयात जफर की जो बहन है हमारे साथ जुड़ चुकी है, हसीन जफर हाशमी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। हसीन जी, किस तरह से आप इस पूरे प्रकरण को देखती हैं, क्या पुलिस के द्वारा आप लोगों को परेशान तो नहीं किया जा रहा है? ये पुलिस की नाकामी का सबूत है कि हयात जफर हाशमी को मास्टरमाइंड बताया गया है। पुलिस जांच नहीं कर सकती जी, लेकिन जफर जी अगर बात, हसीन जी अगर बात किया जाए, तो हयात जी का नाम पहले भी, हयात का नाम पहले भी कई ऐसे आंदोलन में आया है। हयात का नाम कहां कहां आया ये बात अभी आपको स्पष्ट नहीं है। आप हमसे कल मिलिए या मैं थोड़ा वक्त दी, हम दिखाते हैं जफर आजमी क्या है और उन्होंने अब तक के क्या क्या किया है। हयात जफर हाशमी एक वाहिद शख्स ऐसे है कानपुर शहर में जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के गरीब बेसहाराओं की मदद की है। दो साल कोरोना काल में उनको खाना घर बैठे मुहैया कराने वाले हैं हयात जफर हाशमी जी। देखिए, उनसे ऐसे आरोप अच्छे नहीं लगते हैं। जी हसीन जी, कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा आपके भाई पे, हम आपसे आपका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, परिवार को कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। ये झूठे मुकदमे लगा के मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। बिल्कुल, हम आपको हयात जफर आजमी मास्टर माइंड किस यहाँ पे बना रहे हैं आप? हयात जफर आजमी हाथ में घुमा लिए थे, हयात जफर आजमी बटोर रहे लोगों को। बिल्कुल, मेरी बात, हाँ हसीन जी आप मेरी बात सुने, सिर्फ आपका पक्ष रखने के लिए मैं चाहती हूँ कि आपका जो पक्ष है, आपको जो इंसाफ चाहिए वो आप यहाँ रखे, हम आप ही का पक्ष सुनने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया है आज। आपका क्या पक्ष है, क्या उम्मीद रखती है आप प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से, किस तरह से न्याय दिया जाए आपको? मुझे प्रशासन से यही उम्मीद है, यहाँ से लेके मैं प्रधानमंत्री तक जाऊंगी इंशाअल्लाह रहमान, कि ये जो झूठे आरोप लगाए गए, जो बेबुनियादी इल्जाम लगाए गए, खारिज किया जाए, इसकी SI बुला के जांच जटिल की जाए और इसकी जांच पुख्ता तौर पर चलाई जाए।
बिल्कुल जांच तो होने का विषय है हसीन जी, इस मसले पे बिल्कुल जांच होना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से दंगा भड़का है, जिस तरह से कई लोग इसमें घायल हुए, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी परिवार का आपके क्या कुछ कहना है, किस तरह से इंसाफ मिलना चाहिए? अभी कल रात से मेरे भाई को पुलिस ने उठा के ले गई, कहां ले गए, कहां रखा गया, अभी तक तो कोई पता नहीं चला। सुबह से परिवार इधर उधर भटक रहा है, मारे मारे फिर रहा है, अब ये तमंचे से फायर भी करने लगे हैं, हमको इस दिमाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है, पुलिस के सारा सारा खेल पुलिस का। लेकिन हसीन जी आरोप लगे हुए हैं जफर हाशमी पे, आरोप किसने लगाए, आप बयान किसने की, ये पुलिस दिखाती है, और जो पुलिस ने दिखाया वही मीडिया ने छापा, पेपर में सुबह सुबह आया, कहा जफर आज मास्टर माइंड किस जगह पे आपने छापा, किस जगह पे आपने इतनी बड़ी अफायर कर दी, कोई पुख्ता सबूत है आपके पास, कुछ है आपके पास, कोई जगह है, कोई बेस है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास। ये जांच का विषय है, और ये जांच जी मैं सरकार से यही मांग करती हूँ, इसकी जांच निष्पक्ष जांच कराई जाए और जल्द से जल्द कराई जाए, और ये फर्जी मुकदमे जो संगीन धाराओं मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको बेगुनाह हटाया जाए। और हसीन जी मैं आपसे एक चीज की गुजारिश करना चाहूंगी, यहाँ मैंने आपको आपका पक्ष रखने के लिए ही बुलाया है, तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे से अपना पक्ष रखे, आपको इसलिए यहाँ पे नहीं बुलाया गया है, ना किसी ने अभी तक आरोपी कहा है, हयात को किसी ने आरोपी नहीं कहा है, ना मैं उन्हें आरोपी कह रही हूँ, बस मैं आपको आपका पक्ष रखने के लिए यहाँ बुलाई हूँ, मैं भी चाहती हूँ जो सच है वो सामने आए, इंसाफ मिलना चाहिए, लोकतांत्रिक इंसाफ की उम्मीद है। जी देखिए हमारे देश के, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय राष्ट्रपति जी के जब दौरे पर थे उस वक्त ये जब वारदात हुई है, और क्या यही सिखाया जाता है हसीन जी आपके मजहब में कि आप जुमे की नमाज के बाद इस तरीके की नापाक हरकत करिए? आपके पास तो सबूत है, जुमे की नमाज के बाद इस तरीके की पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी, पुलिस को तो पहले से खबर होनी चाहिए, पुलिस की नाकामी है, जब आपको पेपर में आपको शक था दंगा हो गया तो मेरे से कह रही थी क्या करें, जांच डाल के बैठी थी, जैसे ही पुलिस को खबर हुई है पुलिस नहीं सोच सकती थी कानपुर इस तरीके के। लेकिन मंजू शुक्ला जी, मंजू शुक्ला जी कानपुर जो है ना वो अपराधों का गढ़ बन चुका है, दंगों से सुलग रहे कानपुर इस वक्त, ये पहली घटना नहीं है कानपुर में जिस तरह की ये घटना सामने आई है, कई ऐसे घटना हुए, सारे आम दरोगा को गोलियां मारी गई है कानपुर में, बाबरी जब बाबरी मस्जिद एसडीएम को गोली मारी गई है कानपुर में, उस वक्त भी लोगों ने 11 लोगों को जिंदा जला दिया था, जिन लोगों ने चलाया था उन्हें सजा हो चुकी है। हसीन जाफरी जी जिस तरह से लगातार और भी कई तरह के आरोप हयात पे लगाए गए हैं, उनके खिलाफ कई तरह की बातें, और उसपे आपका क्या कहना, जिस तरह के आरोप उन पे लग रहे हैं उसपे आपका क्या कहना? ये सब आरोप झूठे हैं, पुलिस ने इसकी निष्पक्ष जांच नहीं की, ये मैं सरकार से मांग करती हूँ, प्रधान से मांग करती हूँ कि इसकी पुख्ता जांच कराई जाए, उसमें दोषियों को जो इसमें दोषी करार पाए जाते हैं उनको सजा दी जाए, जो कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है उनपे पहले भी, हसीन जी कई मुकदमे पहले भी हयात पे दर्ज है, और इस तरीके के हयात पे मुकदमे, हयात जफर हाजी जो पहले मुकदमे हैं उसकी जांच चल रही है, मौजूद है सामने आएगा, इनके पीछे बहुत बड़ा संगठन चल रहा है, ये मामूली बात नहीं। मंजू शुक्ला जी अगर संगठन चल रहा तो एलआईयू क्या कर रहा था? मंजू शुक्ला जी क्यों खबर नहीं थी, क्यों वहाँ पे पुलिस मौजूद है? मैं आपसे पूछती हूँ कि एलआईयू को छोड़िए, पुलिस को छोड़िए, प्रशासन छोड़िए, देश में रह रहे ये लोग देश का अन्न खा करके, देश की मिट्टी में पल करके, देश की सुरक्षा में रह करके देश को बर्बाद करने की बात सोचते हैं, तो मंजू शुक्ला जी आपके हिसाब से पुलिस विभाग खत्म हो जाए, किसकी किसकी जिम्मेदारी है ये जो दंगा भड़का है उस जगह पे, ठीक 70 किलोमीटर की दूरी पर हमारे देश के बड़े नेता राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े थे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, क्यों एलआईयू को नहीं पता था बताए? मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि क्या ये देशद्रोही है कि देशप्रेमी है कि इन्हें नहीं नजर आ रहा था कि 70 किलोमीटर की दूरी पर देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री हैं जो ये इस तरीके के तमंचे और फायरिंग लेकर के पत्थर लेकर के चले आए? आप वहाँ पे बैठ के देश की स्वतंत्रता की बात कर रही हैं, हम लोगों ने कोरोना काल की महामारी में रोड पे उतर के देश की स्वतंत्रता एकता भाईचारे को बना के रखा, मंजू शुक्ला जी और हसीन जी आप लोग एक एक करके अपनी बात रखे ताकि दर्शकों को भी आपकी बात समझ में आए, आप दोनों एक एक करके अपनी बात रखे।
हसीन जी अपनी बात रखे एकता भाईचारा आपको जानना हो आप कानपुर शहर में आइए आइए कानपुर शहर में मैं आपको दिखाऊं एकता भाईचारा किसे कहते हैं। कोरोना काल की महामारी इतनी बड़ी महामारी में है जफर आजमी ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के गरीबों को अन्न मुहैया कराया है। आइए मैं आपको ले जाती हूँ उनके घर और दिखाती हूँ कौन कौन लोग हैं वो आपको बताएंगे उनमें हिंदू मुसलमान चेहरा देख नहीं दिए गए थे। हम लोग हिंदुस्तानी हैं जितनी मोहब्बत आपको हमको हमेशा देश में हमारी शांति बनाए रखने वाला परिवार मेरा परिवार है। परेड शो करने की बात कही उससे जेल भरो आंदोलन की बात कही ये कहाँ का देश प्रेम है बिल्कुल। मंजू शुक्ला जी हसीन जी हमारा जो रिपोर्टर है वो अभी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर हर वक्त मौजूद रहा जिस वक्त ये हिंसा हुई है उस वक्त भी हम उन्हीं से सीधा जानेंगे कि उपेंद्र किस तरह के जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कमिश्नर के द्वारा किस तरह की बातें निकल करके सामने आई है जांच में किस तरह के वीडियोज निकल करके सामने आए हैं और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक इसका वीडियो कमिश्नर साहब का शाम को 6 बजे जो जफर जी ऊपर जो है उसकी कई जांचें बैठी हुई कई मुकदमे खुले हैं जैसे कानपुर के चकेरी थाने में का मामला चल रहा है और इससे पहले भी विवादों में रहे हैं इससे पहले भी यहाँ पे इसी क्षेत्र में और इसी रोड पे और इसी रोड पे और इसी मोहल्ले में भी एक बार पहले विवाद हो चुका है उस विवाद में भी पहले भी आ चुके जफर। और आपको पता चले जो कमिश्नर के अनुसार जो है जो जफर है उनके बैंक अकाउंट चेक किए जा रहे हैं और जो सर्विलांस के माध्यम से कई सफेदपोश नेताओं के इसमें कांटेक्ट नजर आ रहे हैं जी बिल्कुल और कई संगठनों के जी। हसीन जफर जी क्या कहना चाहेंगे आप इस पे जो पलायन आप उनसे मत पूछिए उनके पक्ष आप क्या जाने एक आतंकवादी की बहन क्या कहेगी। मंजू शुक्ला जी आप किसी को आतंकवादी करार नहीं दे सकती हैं आपको इस बात का कोई हक नहीं है जो आज का विषय है अभी आप हयात जफर जी को हयात जफर को आतंकवादी नहीं करार दे सकती हैं। आपकी रिपोर्टर ने बताया जो आरोपी साबित जो करेगी वो कोर्ट करेगी इसका नाम पुलिस को दिया जाता है नहीं डिबेट में बैठे लोगों को दिया जाता है। आप आरोपी नहीं साबित कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को आरोपी और आतंकवादी नहीं साबित कर सकते ये कोर्ट फैसला लेगा ये जांच का विषय है जी। मंजू जी मंजू जी हमारी 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 प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने अगर एक बयान दे दिया तो उसके खिलाफ कितने लोग कहां कहां से एफआईआर करा रहे हैं कितनी धमकियां दे रहे हैं उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। और अगर हम कुछ कह देते हैं तो उसमें मतलब आप हमारी जुबान रोकने की कोशिश करेंगी बिल्कुल नहीं। मंजू शुक्ला जी आप एक सम्मानित जगह पर बैठी हैं आप एक सम्मानित जगह पर बैठी हैं और इस तरह से आपका किसी को आतंकवादी करार देना सही नहीं लगता है आप भी जानती हैं जांच का विषय है। ये सीए एनआरसी के लोग जो नारे लगाते थे कि हर घर से असल निकलेगा है ना तो अब इन अफजलों को इनका हश्र क्या होगा ये अब देश ही नहीं दुनिया देखेगा इनके पीछे जो छिपे हुए लोग हैं इनके पीछे जो छिपे हुए लोग हैं जो इनको शह दे रहे हैं ये तमंचे दे रहे हैं ये पत्थर दे रहे हैं ये सब पता चल जाएगा हमारे आप पता लगाती रहिए और आप सबके अंदर आतंकवादी ढूंढते रहिए हमने देश के लिए जो किया है जो भाई ने किया है वो सबके सामने जो उनके सामने नहीं है उनके सामने जाएगा क्या किया जाए और हमें आपसे आप नहीं हम मोहताज नहीं आपकी अगर हमें बता आप जब चले कौन क्या नहीं जब चलने का राइट आपको बिल्कुल नहीं जो जब चलेगा वैसे हमको करेगा जो शरीफ मुसलमान है उनके वो सुकून से रह रहे हैं उनको कोरोना काल से लेकर के लॉकडाउन तक में हमेशा मदद करी गई आज भी वो सम्मान से रह रहे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है वो लोग तमाम लोग उनकी आराधना मुसलमान देशभक्त कहूँ तो आप मैं कदा भी नहीं होंगी और आप चाहो तो डिबेट पे मेरे को शामिल रखो आप ना रखो लेकिन मैं आतंकवाद को कतई बढ़ावा नहीं होने दूंगी वो भी उस मौके पर आतंकवाद को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता है। मंजू शुक्ला जी हिंदुस्तान में आतंकवाद को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहता और आतंकवाद को बढ़ावा सिर्फ वही लोग दे रहे हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी जब थे वहां पर तब इनकी हिम्मत कैसे हुई क्यों आप मौजूद थे आप मौजूद थे देखने के लिए कोई प्रूफ है इनकी बहन और सबका पक्ष लेते हैं कि आप न्याय की क्या अपील करते हैं हम इतने सही शुरू जो हो गए हैं उसी का फायदा ही उठाया जा रहा है।
हम अपने राइट पे काम कर रहे हैं, मुझे आगे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में मेरा राइट है, क्या नाम है, जुमे की नमाज के बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमको ये राइट दिया है, अपनी राइट के बेस पे आगे चलेंगे और पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमें आपके कोर्ट में परमिशन लेने की जरूरत नहीं, आप बताइए तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप अपना राइट देखिए, हमें अपने राइट देखिए। और हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान को लेकर चलता है सर, किसी की बात को लेकर नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल हसीन जफर जी, बिल्कुल हम इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि सबको बराबर का हक है हिंदुस्तान में। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से समीर सिंह भी जुड़े हुए हैं। समीर जी, जिस तरह से आपने देखा कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, हिंदुस्तान की खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान में सब एक होकर के रहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस घटना के बाद दो समुदायों में जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, इस घटना के बाद जिस तरह से लगातार हिंसा भड़क रहा है, आप एक युवा चेहरा भी है समाजवादी पार्टी के, किस तरह से देखते हैं और जो भविष्य है युवा का इस घटना से कितने अंधकार में जाता है? इन युवाओं की जांच कराई जाए। अब तक आपकी डिबेट में या अब तक पेपरों के माध्यम में जो सूचना आ रही है, ये जो पुलिस की एक बताई हुई कहानी है, अभी इसकी स्पष्ट रूप से कोई जांच नहीं कराई गई है। दंगा किसने कराया, इसके पीछे किसका हाथ था, ये जांच करना अभी बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल हसीन जी, जांच का और जब ये जांच हो जाए मुकम्मल तौर पे, हया जबरदस्ती बेगुनाह साबित हो। त्रिशला जी, समाजवादी पार्टी ने डे वन से जो अभी कल हिंसा हुई है इस पे भी अपना स्टैंड क्लियर रखा हुआ है, और आपने मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मांगा है, मैंने अभी जो पिछले हम 15-20 दिन, पिछला एक महीना अप्रॉक्सीमेटली हो गया, जब ज्ञानवापी का मुद्दा जिस तरह से उठ रहा हुआ था और जिस तरह से उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी और समाजवादी पार्टी का अधिकृत ओपिनियन भी, उनका स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रायोजित मुद्दा है। और मेरा एक नौजवान होने के, एक युवक होने के नाते, मेरा ये पहले भी स्टैंड ये था कि ये जो मुद्दे आगे बढ़ रहे हैं, इससे सिर्फ जो हमारे जो आपने बात अभी करी कि जो हमारा देश है वो एक गंगा जमुनी तहजीब और एकता का एक प्रतीक है, लेकिन जब हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, और आप अगर देखेंगे, आप थोड़ा सा इसको एक क्रोनोलॉजी अगर देखेंगी, तो जब ये ज्ञानवापी जैसे मुद्दे वापस से उठाए जाते हैं, जब हिंदू मुसलमानों में एक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश होती है, उसमें एक दरार पैदा करने की कोशिश होती है, तो उसी के चलते फिर मीडिया डिबेट्स होती हैं, मीडिया ट्रायल्स होते हैं, प्रवक्ता आते हैं, न्यूज़ चैनल पे बातें होती हैं, और उसी के चलते कोई ऐसा बयान आ जाता है जिसमें, जैसे कि हमने नुपुर शर्मा जी का बयान का, जो जिसके चलते ही ये जो प्रोटेस्ट होने वाला था, जिसके चलते आपका कानपुर में कल हिंसा हुई है, और सिर्फ कानपुर में ही नहीं, देश भर में कई जगह ये जो मुस्लिम समुदाय है वो नुपुर जी के जो स्टेटमेंट था उसके अगेंस्ट कार्यवाही करने की मांग कर रहा है। और सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसको जो एक सेक्युलर माइंडसेट का है, या जिसको किसी के एक धर्मनिरपेक्ष एक उसका है, वो ये बात मानेगा कि किसी की भी आस्था पे कोई क्वेश्चन मार्क या उन पे कोई ऐसी टिप्पणी करना सही बात नहीं है। और ऐसी कोई टिप्पणी करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी खुद ही अगर उस पे कोई एक्शन ले ले नुपुर शर्मा जी पे, तो कुछ हद तक ये बातें थोड़ी सी मेलो डाउन हो जाएंगी, लेकिन नहीं हो रही है। समीर सिंह जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बयान के चलते इतनी बड़ी हिंसा जी, बयान के चलते, बयान के चलते इतनी बड़ी हिंसा जी, ये हिंसा का रूप लिया गया। और ये देखिए, जिस तरह से पोस्टर जारी किया गया, जेल भरो आंदोलन, एक अगर प्रवक्ता ने बयान दे दिया तो इतना बड़ा हिंसा जो जी, जैसे अभी त्रिशला जी मैंने आपको चलाए जा रहे थे, प्रायोजित नहीं, 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 है, पेट्रोल बम। त्रिशला जी मैं इस हिंसा के बिल्कुल, मैंने आप पहली बार बोला, मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, और समाजवादी पार्टी भी इस दंगे के लिए कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई पक्ष है, कोई एक पक्ष है, अगर उसकी आस्था, जो पूरा अभी ये मुद्दा भी जो चल रहा है, जो कोर्ट में अगर सुनवाई भी चल रही है, तो सिर्फ आस्था के बेसिस पे ही तो चल रही है, कि किसी की आस्था के उसको क्या कहते हैं, हम नहीं ठेस पहुंचा सकते। हिंदू अगर कह रहे हैं कि, हिंदू पक्ष अगर कह रहा है कि वहां शिवलिंग है, तो कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है, बात चल रही है, तो आस्था के चक्कर में ही ना। तो अगर नुपुर जी का बयान कोई सिर्फ एक उनका व्यक्तिगत बयान नहीं, वो एक भारतीय जनता पार्टी जो कि इस देश की बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम पे, केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, उसकी अधिकृत जब एक स्पोक्स पर्सन है, तो वो जब आके ऐसी बातें बोलती है नेशनल मीडिया पे, तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। तो उसी के अगेंस्ट तो फिर लाजमी है कि जो, और मैंने बोला कि आपका अधिकार है, हर एक, नहीं समीर सिंह जी, मैं आपको, आपने कहा लाजमी है, एक बयान पर आप इतनी बड़ी प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट लाजमी है, प्रोटेस्ट हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र में हमें दिया गया है, ये जो हिंसा में तब्दील हुआ है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसको प्रोटेस्ट देखते हैं।
जी मैं कानपुर की मैं कानपुर की हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला कि कानपुर में हिंसा जो भड़की है वो हिंसा भड़की है, ऐसे कई और जगह हैं जहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं लेकिन वहाँ पे हिंसा नहीं हो रही। जो कानपुर का इंसिडेंट है वो स्टैंड अलोन इंसिडेंट है जहाँ जो बयान के चलते जो प्रोटेस्ट होना था उसने एक वायलेंट एक उसका रूप हो गया और वो हिंसा और वो एक सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हिंसा जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की है कानपुर में, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना हमारा देश का लोकतंत्र, ना हमारे देश का संविधान, ना कानून इसकी इसकी आपको इजाजत देता है किसी को भी, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो कोई। मंजू शुक्ला अपना पक्ष रखे आप, मंजू शुक्ला मैंने समीर जी का बात सुनी, समीर जी ने बहुत सभ्यता से बातें कही हैं और मैं इनकी जो इन्होंने वाक पटुता है मैं उसकी तारीफ करती हूँ, लेकिन ये नमाजवादियों की जो पार्टी है जिसने राम मंदिर में जब मतलब कार सेवक गए थे उन पर गोलियां चलवाई थी है ना, और लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तमाम महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रदेश हमारा जी, तो उन्होंने अभी क्या ये जो कल घटना हुई है ये इसी वजह से हुई है? समीर जी आपकी बात नहीं, मैं आपसे एक सवाल खाली पूछ रहा हूँ कि कल की घटना क्या इसी वजह से घटना हुई है? कृपया आप मेरी बात सुने है ना, मैंने आपकी बात सुनी, आप तारीफ भी करी, लेकिन उस समय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी अपराधियों के अवैध जो निर्माण थे तो उस पर अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान सार्वजनिक मंच पर कहा था कि हमारी सरकार आई तो जिनके घर बुलडोजर से ढहे हैं हम बसाएंगे, तो बुलडोजर का घर किसी शरीफ आदमी शरीफ मुस्लिम के घर पर नहीं चला था, बुलडोजर अपराधियों के घर पर चलेंगे और फिर चलेंगे, और आप देखिएगा जो कानपुर का ये घटना है इसमें भी बुलडोजर फिर चलेंगे क्योंकि ये एक राशन की दुकान चलाने वाले का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े आतंकवादी जब तक जांच ना हो जाए किसी का नाम सीमित ना आ जाए तो कई लोग शर्मा जी का इशू है, उससे पहले यार ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ये योगी बाबा की सरकार है और आप लोग जो इफ्तार पार्टी योगी बाबा की सरकार है धमका दे रही है सबसे, जिससे मुख्यमंत्री आपके अपने मुख्यमंत्री आ रहे हैं वो तमाम बना कर पाला था नहीं डराना बनकर ये अजगर जो ये नेवले जो घुस गए थे बिलों में, अब जब इनके खौफ के कारण बिंदु जग चुका है, अब आप उसको हमने अपने सनातन धर्म के सहिष्णुता के तहत आप लोगों को बहुत प्यार से गले लगा करके रखा, लेकिन एहसान नहीं किया है आपने, गले लगा के रखा हुआ है, ये जो आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जिस तरह के आप स्टेटमेंट्स दे रही हैं, यही दिक्कत है, इसीलिए हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के साथ नहीं है, आपका दावा ये फर्जी है क्योंकि इसी तरह के बयान देके आप देश में हाई पैदा करती है मैडम जी, जिसका ये देश हिंदुस्तान हो गया है इसमें आप भेदभाव ना करें, और अगर हिंदुओं में आप ऐसा बात मत बोले कि हिंदुओं को हमने गले लगा के रखा था और अब उनकी बारी आ गई है, ये देश हमारा जितना हिंदुस्तान होता है उतना ही पाकिस्तान उतना ही मुसलमानों का भी है, तो ये हमने ऐसा नहीं डाला कि हम आपको रखते हैं हम आपको रोके हैं, ये मत करिए, ये मेरा मेरा राइट है, वाह भीमराव अंबेडकर ने आपको राइट दिया अंदर हिंदुस्तान मुसलमानों को, हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ होता तो उससे जिम्मेदार आप होते, आपको तो खुशी होती, आप तो सैफ ही मौजो करते क्योंकि आप लोग एक ही बात आप सभी से कहना चाहूंगी, मंजू शुक्ला जी समीर सिंह जी मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, ये जो दंगे भड़कते हैं, ये जो हिंसा होता है, ये एक जो मरते हैं लोग, कोई नेता और कोई बड़े पद पर बैठा हुआ इंसान नहीं मरता, आम लोगों की मौत होती है, आम लोग आम जनता इसकी शिकार होती है, आप मुझे बताइए एक वाक्य जिसमें किसी बड़े नेता कोई हिंसा का शिकार हुआ हो, आम लोग मरते हैं, ये जो गंदी मानसिकता पैदा कर रही है उनकी गलती है, इस तरह की गंदी मानसिकता हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, जब प्रोटेस्ट हो रहा था
मंजू शुक्ला जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। हसीन जोफर जी, जी हसीन जोफर जी, एक पोस्टर भी लागू हुआ था कानपुर में, आप सारे से रूबरू होंगे। उस पोस्टर में आपने ऊपर पढ़ा, नीचे कैसे नहीं पढ़ा, आप पूरा पोस्टर पढ़िए और साफ साफ अल्फाजों में पढ़िए। हसीन जोफर जी, आप मेरी पूरी बात सुन ले, एक पोस्टर लागू हुआ था, आप उससे अच्छी तरह से रूबरू होंगी, आप वहीं की निवासी हैं, आपके भाई को इसमें अरेस्ट किया गया है, तो आप बेहतर इस घटना को समझ पा रही होंगी। उसमें लिखा था जेल भरो आंदोलन, किस बात को लेकर जेल भरो आंदोलन होने वाला था? नहीं, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेके ये आगाहन किया गया था, 5 तारीख को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। अच्छा। उसके बाद अनवरगंज थाने के एसपी कमिश्नर ऑफ कानपुर इनकी बैठक में, इनकी मीटिंग में भाई को बुलाया गया है, जफर आजमी साहब को ये बताया गया उनको उस दिन कानपुर में। अच्छा, तो जफर हाजमी उसमें उस मीटिंग में गए थे, उस मीटिंग में क्या कुछ उनकी बात हुई थी? उस मीटिंग में वो गए थे और उनके सामने ये बात की है कमिश्नर ऑफ कानपुर के कि ये प्रोग्राम रद्द किया जाता है, इसकी सूचना सोशल मीडिया पे ही मौजूद है, डिबेट पे ही मौजूद है, हर जगह मौजूद है जी। इस सूचना के बावजूद भी अगर जो जफर साहब है, जफर हाजमी जी, उन्होंने जब इसकी सूचना दी थी, उन्होंने कहा था कि इसको निरस्त किया जाता है, जो जेल भरो आंदोलन के पोस्टर लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं हम करेंगे, मीटिंग के बाद कमिश्नर एसएसपी से मीटिंग के बाद, उसके बावजूद भी जब ये घटना हुई है तो क्यों जफर को जेल ले गया गया? और हसीन जी, एक सवाल और है, जिस तरह से मुकदमे उन पर लगाए गए हैं, कहा जा रहा है कि इन पे मुकदमा किया जाएगा, इनका मुख्य आरोपी के नाम में लोग कह रहे हैं, मास्टरमाइंड की तरह उनका नाम लिया जा रहा है, किस केस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप और क्या आपका पक्ष है? ये कुछ फर्जी मुकदमे लगाए गए थे, झूठे मुकदमे, और इसकी अभी अदालत में, न्यायालय में इसका केस चल रही है, फाइल चल रही है, जो भी होगा आपके सामने रखा जाएगा जी। लेकिन एक सवाल और, आप तो खुद वहाँ मौजूद थी, कानपुर से ही है आप, और आपने कहा कि आप लोगों ने लोगों की काफी मदद करी है, आप हमेशा से एकता की बात करती है, हालांकि बीइंग एंकर, एक पत्रकार होने के नाते मैं कभी ये नहीं कहूंगी हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान में सब एक है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान में सब एक है। तो अभी आपकी एक अपोजिट वो बता रही थी कि हमने आपको गले लगा रखा है, ये आतंकवादी है, उससे मजबूर हमको कहना पड़ा, हम सब एक है, बिल्कुल हम सब एक, बिल्कुल हम सब एक है, और मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में हूँ कि कोई अलग है। मंजू शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपना पक्ष रखिएगा, कि आपकी जफर हाशमी जी से कोई बात हो पाई, हसीन जी आपकी उनसे कोई वार्तालाप हो पाई, किसी तरह का कोई संपर्क हो पाया उनसे अब तक आपका? कल से पुलिस ने गायब किया है, अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है। क्या आप लोगों ने बात करने की कोशिश की पुलिस प्रशासन से? कोशिश की, कोई फोन रिसीव कर रहे हैं, कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे हैं। क्या आपके कमिश्नर से कोई बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? क्या आप लोग वहाँ पर जाने की कोशिश की, आपने अपने भाई से कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की अब तक? बहुत कोशिश की है, हम लोग कोर्ट से आ रहे हैं, कोर्ट में कई चक्कर लगा रहे हैं, नीचे ऊपर परेशान हुआ, घर वापस लौटना पड़ा जी। बिल्कुल हसीन जी, हमारे संवाददाता उपेन कानपुर में मौजूद है, हम उनसे जानेंगे जो भी जानकारी जफर हाशमी से, क्या जफर हाशमी से जुड़ी हुई कोई खबर अभी तक सामने आ रही है कि पुलिस प्रशासन उनसे किस तरह से पूछताछ कर रही है, क्या कुछ उनसे जुड़ी हुई कोई खबर उपेन अभी तक सामने आई, आपकी बात हो पाई पुलिस प्रशासन में किसी से जफर हाशमी से जुड़ी हुई? कानपुर कमिश्नर का कहना है कि इतने कोर्ट पेश करने के बाद 14 दिन की रिमांड पे जो है जफर को लिया जाएगा, और उसके बाद जो इनके कई कॉन्टेक्ट निकले हुए सर्विलांस पे जो है, इनका जो फोन लगा था उसमें 100 लोगों के नंबर निकले हैं, जिसमें कुछ सफेद नेताओं के नंबर भी उसमें निकले हुए हैं, और कुछ पुलिस प्रशासन के ऐसे अधिकारी है जो घटना से 10 से 15 मिनट पहले कुछ कॉलें आई हैं, उनसे बातें हुई हैं, ये सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्री जो है अभी सोशल मीडिया पर नहीं होगा, 14 दिन की रिमांड के बाद जो है पूरा खुलासा होगा। उपेन जी, क्या पुलिस प्रशासन में किसी से बात हुई थी जफर हाशमी की? नहीं, अभी
अभी तक कोई बात नहीं, ना कोई बात करना चाह रहे हैं। के संज्ञान में सारा मामला है और उसके बाद जो है जो सूबे के मुख्यमंत्री जिन्होंने लखनऊ से एसपी जयपाल शर्मा को भेजा है, सब कुछ सारी मॉनिटरिंग केवल वही कर रहे हैं और उनके अंडर में सारी फ्लीटें चल रही हैं। अभी आगे भी दबिश जारी है। काम किया गया तो उनकी सीसीटीवी फुटेज भी तो होनी चाहिए, कुछ है कहीं पे पाएगा ऐसे बाज में? बिल्कुल 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 हसीन जी, आदमी का बयान है, किसी इंसान का बयान है, किसी ने हया दफर आजले का नाम लिया, किसी ने लिया, ये तो पुलिस का एक खेल है। कोई नहीं मिला उनको, उन्होंने हया दफर आज में टारगेट बना के समय रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हसीन जी पुलिस ने कभी सच नहीं बोला है, पुलिस सच ने हमेशा काला निकला है, हमेशा निकला था, हमेशा निकलता रहेगा। देखिए हसीन जी, रही बात पुलिस की लापरवाही, तो मैं इस बात को खुद भी मानती हूँ कि पुलिस की लापरवाही है, लेकिन इस तरह से आप बिल्कुल पुलिस प्रशासन पे ब्लेम ना करें। पुलिस की लापरवाही नहीं है, पुलिस का एक खेल है, पुलिस ने हमें अपने खेल में मेरे भाई को फंसा लिया है। ये तो जांच का विषय है हसीन जी, बिल्कुल जांच के बाद पता चलेगा। और अगर जफर हाशमी बेगुनाह है, अगर जफर हाशमी बेगुनाह है तो कोई उन पर उंगली नहीं उठा पाएगा। मंजू जी क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पे? कई सफेद पोश लगा हुआ है, जो सर्वलांस निकलेगा उस पर सारे कॉन्टेक्ट निकल आ जाएंगे आपको कि कहाँ का कॉन्टेक्ट इनके थे और कहाँ कॉन्टेक्ट नहीं है। अभी तो मुकदमा लिखा है तो अभी तो आरोप है, अभी तो इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, अभी आरोप तय करने के लिए वो तो न्यायालय करेगी। इतने बड़े मुकदमे किस बिहार पे लिखे गए? जी उपेन जी, देखिए हसीन जी, बिना किसी बिहाव पे मुकदमे नहीं लिखे गए होंगे और ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मंजू शुक्ला जी, जिस तरह से कई नेताओं के भी जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो निकले हैं, अभी हसीन जी ने बताया कि जिस तरह से मीटिंग हुई थी घटना के कुछ दिनों कुछ वक्त पहले, उनकी उनकी बहन ने खुद उस बात को एक्सेप्ट किया है कि जफर हाशमी की एसएसपी और कमिश्नर से मीटिंग हुई थी इस मुद्दे को लेकर, जेल भरो आंदोलन के जो पोस्टर सामने आ रहे थे उसको लेकर के। क्या किस तरह से देखती हैं आप इसको? क्या इसकी जानकारी पुलिस को पहले थी? कितने तरह के सवाल निशान खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर? मैं आपको बातें जवाब देती हूँ। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि 3 जून को जो है परेड होगा और 5 जून को जेल भरो आंदोलन होगा, ठीक है? पहली बात हसीन जी जिस तरीके से बता रही है, मैं हसीन जी से ये बताना चाहूंगी कि उनके खिलाफ तो FIR नहीं हुई है ना, है ना? तो इसका मतलब अभी उनका कोई, अगर वो आता मतलब उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो इनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है। FIR उसी के खिलाफ होती है जो आरोपी होता है, तो कहीं ना कहीं उनका भाई आरोपी है। और जो बातें हिंदुत्व की बात चलती है तब तब ये बातें आती हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, आप याद करिए 1992 और कितना नशस हत्याकांड था वो, और वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया था। अब आप सफेद मेरी बात सुनिएगा, और उसके बाद में जब अभी मथुरा का हो रहा है, वाराणसी का हो रहा है, और अब जब ज्ञान व्यापी का भी समय चल रहा है, तो ज्ञान व्यापी में जिस तरीके से निकला है, अभी एक मौलाना साहब का मैं बताऊं, वो लगातार कहे जा रहे हैं जितनी मस्जिदों में कहीं पर भी हिंदू मंदिर के मतलब हिंदू मंदिर होने का निशान मिले उन सबको निरा मतलब ध्वस्त करो, है ना, मिटा दो। तो ये आप खुले कह रहे हैं, जब जब हमारे देश में जब जब हिंदू की बात होगी, ज्ञान व्यापी मंदिर का जैसे जैसे मामला खुल रहा है, जैसे जैसे जांच में बातें सामने आ रही है, ये पहली बार देश में, ये देश में पहली बार हो रहा है। योगी जी को बिल्कुल मंजू शुक्ला जी, जिन्होंने जिन्होंने इस देश में हिंदुत्व को जगाया, और हम अपनी संस्कृति के लिए हम ये नहीं कहते कि मंदिर कोई मस्जिद तोड़ो, हमने कभी नहीं कहा कि किसी मस्जिद को तोड़ो या किसी भी मुस्लिम को परेशान करो, लेकिन अगर हमारे मंदिरों का हमला होगा तो हमारे मंदिरों को तोड़ा जाएगा, तो ये भी हम नहीं करेंगे। लोगों के खिलाफ बाबा जी का बुलडोजर तैयार है, वो किसी भी वक्त चल सकता है, मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करती हूँ कि आपको न्यायालय के
फैसले पर भरोसा है और मैं उम्मीद भी आपसे यही करती हूँ कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा उसको आप सभी स्वीकार करें। बट जिस तरह से कानपुर सुलग रहा है, जिस तरह के दंगे कानपुर में सामने आए हैं, ये बेहद ही निंदनीय है जी। इसको देखते हुए जो एक दिन बिताया गया है, कारण मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। बड़े उद्यमी बन सकते थे लेकिन नहीं, इनको तो अफजल बनना है भाषा की मर्यादा रखे आप दोनों। मैं नहीं, देखिए जब 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 अगर देश में आतंकवाद होगा है ना, सहिष्णुता के बावजूद आतंकवाद संयम रखते रखते ही हाल हुआ है बिल्कुल, कि आज हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक हो गया है और जो ये हमारे तमाम तकलीफ। अरे आप अबुल कलाम आजाद जी बनिए, मुझे जरूरत नहीं कि मुझे आप जज करें मुझे क्या बनना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो है मजबूती के साथ है और आज से नहीं सालों साल से है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मुझे आपकी राय नहीं चाहिए ना, मुझे आपका जजमेंट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हसीन जौफर जी, मैं आपसे चाहूंगी, समय की कमी होने के कारण मैं इस चर्चा को रोकूंगी। मैं आपसे ये चाहूंगी कि आप क्या कुछ न्याय की गुहार प्रशासन से लगाना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से। इसके मुझे सिर्फ यही गुहार लगानी है कि स्पष्ट रूप से जांच कराई जाए, उससे पहले किसी को आरोपी मास्टरमाइंड कहना ये गलत है। आप ये जानने की पुष्टि करिए कौन इनोसेंट है कौन गिल्टी है। जी बिल्कुल, इससे पहले ये बेबुनियादी इल्जाम आतंकवादी ये अल्फाज है, ये अल्फाज है, ये राइट किसी को नहीं है, ये राइट किसी को नहीं है। ये बनाना चाह रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे किसी को राइट नहीं है प्रशासन से और या न्यायालय से, यही उम्मीद है कि जांच कराई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ प्लान किया गया था, इसमें है दफर आदमी को फंसाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपकी बात सुनी और हम चाहेंगे कि जांच हो, ये जांच का विषय। हमारे साथ समीर सिंह जुड़े, समीर सिंह एक फाइनल कॉमेंट इस पूरे मुद्दे पे मैं आपसे चाहूंगी। जिस तरह से कानपुर सुलग रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं जाति धर्म के नाम पर, किस तरह से देखते हैं आप इसको, किस तरह से आप जो आज की उम्मीद रखते हैं और प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप? कृष्णा जी, मेरी सभी से ये एक विनती है कि जो कानपुर में अभी हालात है, तो कानपुर के लोगों से ये विनती है कि संयम बना के रखें, शांति बना के रखें। और एक ब्रॉड जो नैरेटिव है देश के, मेरे का हर एक नागरिक से यही है कि हिंदू मुसलमान ये इस देश में ना हो। ये सिर्फ आपके हमारे लिए नहीं, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये सांप्रदायिकता, जब तक ये हिंदू मुसलमान, जब तक ये मंदिर मस्जिद के झगड़े ख़त्म नहीं होंगे, तब तक हमारा देश जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन पे काम एक उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो इस सब में अपना एनर्जी, सरकार की एनर्जी और कोई भी दल हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी दल हो, इन सब में, इन सबसे ऊपर बढ़कर विकास की बात करें, सुनियोजित बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिनसे इस देश की तरक्की होगी, जिनसे इस देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और इस देश की तरक्की हो और हम आगे एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल समीर सिंह जी, एक तरफ जहां ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है, निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, रोजगार की उम्मीदें तलाश की जा रही हैं, और दूसरी तरफ हिंसा भड़क रहा है। कानपुर जिस तरह से सुलग रहा है, फिलहाल कहीं ना कहीं प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा में भी चूक हो सकती थी, हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं घटी। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या कुछ अब जांच में सामने निकल करके आता है और जांच होने के बाद जो भी आरोपी है उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ताकि उस कार्रवाई से डर कर दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। फिलहाल आज की हमारी चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।